सम्या की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बची हुई खिचड़ी का पराठा। कैसे खिचड़ी को हम फेंक देते हैं नेक्स्ट दिन, उसका हम कैसे यूज करेंगे, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें सामग्री चाहिए, बची हुई खिचड़ी। मेरे पास ये मूंग दाल की खिचड़ी है, आप जो बनाए हो वो ले सकते हैं। गेहूं का आटा, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर और पानी। सब्सक्राइब कीजिए सम्या की रसोई चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए। मैं यहाँ बच्चों के लिए पराठा बना रही हूँ, इसलिए मसालों का यूज नहीं करेंगे। आप यहाँ मसाले डाल सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया है मसाले, सारे मसाले। मैंने यहाँ एक बाउल गेहूं का आटा, आधा बाउल खिचड़ी बची हुई, देखिए कितना टाइट हो रहा है, मेरा रात का था, मैं सुबह यहाँ बना रही हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी की ज़रूरत हमें होगी तभी डालेंगे, नहीं तो हमें खिचड़ी से ही अच्छे से आटा लगाना है। आटा गूंथ के तैयार हो गया है, अब इसके अंदर थोड़ी सी एक टेबल स्पून तेल लगाएंगे ताकि हमारा आटा हाथ में ना चिपके, और इसको अच्छे से एक दो बार फिर से मस लेंगे। और देखिए मैंने यहाँ पानी का यूज नहीं किया, मेरा पानी बच गया है। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। 10 से 15 मिनट हो गया है, अब पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। सारे आटे का हम लोई बना लेंगे। एक लोई हमने लिया है, सूखा आटा लगा लगा के हमें पराठा बेलना है। हल्के हाथों से हमें गोल रोटी की तरह पहले बनाना है। देखिए कितनी अच्छे से गोल रोटी बन गया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा तेल लगाएंगे, एक टेबल स्पून। अब इसको अच्छे से फैलाने के बाद दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे। फिर दोनों साइड से करेंगे। अब फिर से बेलेंगे। इसी तरफ तवा गरम करने के लिए रख दिया है। तवा देखिए गरम हो गया है। अब इसके ऊपर पराठा डालेंगे। एक तरफ हल्का सीकने के बाद हमें पलटना है और दूसरी तरफ दूसरा पराठा बनाएंगे। तब तक हमारा पराठा सीक रहा है, उसको भी वैसे ही बनाना है जैसे मैंने पहले वाला पराठा। अब देखिए हल्का सीक गया है, अब इसको पलटेंगे। दोनों तरफ पराठा हल्का सीक गया है, अब इसके अंदर रिफाइंड ऑयल लगाएंगे, आप बटर या घी भी लगा सकते हैं। बच्चों को ऐसे पराठे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, जो बच्चे दाल नहीं खाते उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, उनके बॉडी में दाल भी चला जाएगा और पराठा भी खा लेंगे। पराठा को दोनों तरफ से अच्छे से दबा दबा के पराठा सेकना है ताकि अंदर से हमारा पराठा कच्चा ना रह सके। एक पराठा बनके हमारा तैयार हो गया है, इसको प्लेट में निकालेंगे और दूसरा पराठा डालेंगे तवे पे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है।
हमें सारे पराठे एक एक करके ऐसे ही सेकना है। हमारा पराठा बनके तैयार हो गया है, इसको गर्मा गर्म खाइए और खिलाइए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ईट हेल्दी बी हेल्दी, बाय बाय।